दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही भाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज पूर्णिमा की दिन है। पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। ये दिन वो दिन है जो जब पहली बार किसी इंसान को ये एहसास हुआ कि मुझे उस परमात्मा से कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वो इंसान थे ब्रह्मा के पोते भरद्वाज। तो भरद्वाज ने जब परमात्मा को पाना चाहा, परमात्मा से वो शिक्षा ग्रहण करनी चली चाही, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना चाहा, तो उस वक्त परमपिता परमात्मा वाल्मीकि द्यावान ने प्रकट होकर उन्हें मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये दिन जो है आस्था और प्यार का दिन है। बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे वाल्मीकि समाज में मनाया जाता है, और इस दिन पे एक ही तरह की विचार, एक ही तरह की शिक्षा रहती है। हर समाज के आगे अपील रहती है कि आप जितना भी हो सके उस ईश्वर की शिक्षाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा वाल्मीकि द्यावान के हाथ में कलम है, तो वो उस कलम का इशारा जो है वो हर एक जीव को यही है कि आप जितना भी हो सके इस संसार में आने पर आपका यही महत्व रहता है कि आप शिक्षा को ग्रहण करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकते हो पढ़ लिख जाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ भी हो सके अपने बच्चों को डिग्रियाँ कराओ, बढ़ चढ़ कर शिक्षाओं के प्रोग्रामों में हिस्सा लो और परमपिता परमात्मा के इशारे को समझो, क्योंकि वो इशारा जो कलम का इशारा वो हमें यही शिक्षा ग्रहण कराता है कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है, उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, उन्हें अच्छे उहदों पर अच्छे मुकाम पहुँचाना है। बस यही आज के दिन का महत्व है, आज के दिन की सोच है, आज के दिन का विचार है, यही आज के दिन की शिक्षा है कि हम उस ईश्वर की शिक्षाओं के साथ जुड़ें।